नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 17 जून और शनिवार। राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। 303 किसानों के खातों में आए 1.21 करोड़ रुपए। लंपी रोग से मरने वाली गायों के मालिकों को मिला बड़ा मुआवजा, सीएम गहलोत ने की बात। लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण के तहत आपको बता देंगे, प्रदेश में आज पशुपालकों के खातों में रुपए भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के 41,900 किसानों के खातों में 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर कर दी है। हर किसान को एक गाय की मौत पर 40,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि झालावाड़ में 29 किसानों के खाते में आए 11.60 लाख रुपए। वहीं आपको बता दें कि 92 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं बूंदी में। इसी के साथ ही चित्तौड़गढ़ में 631 किसानों को मुआवजा मिला। लंपी वायरस से हुआ था नुकसान, 2,52,00,000 रुपए खाते में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसी के साथ ही बांसवाड़ा जिले की बात करें तो यहां 250 पशुपालकों को आर्थिक सहायता मिली है। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, ताजा अपडेट मौसम अपडेट को लेकर है। लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। बिपरजॉय से रेगिस्तान में आई बाढ़, राजस्थान के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। कल की बड़ी खबर रेगिस्तान में बाढ़ आने से रही। बिपरजॉय तूफान गुजरात के बाद राजस्थान पहुंच गया, जिसकी वजह से 13 ट्रेनें रद्द भी करनी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में आज और कल तूफान एक्टिव रहेगा। ऐसे में राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। उधर केंद्रीय मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। बिपरजॉय तूफान राजस्थान में अब एंट्री मार चुका है, लेकिन इतना भारी असर तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन भारी तबाही बारिश की हो रही है। बिपरजॉय का असर गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र समेत 8 जिलों में रहा है। इसी दौरान हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। गुरुवार से हो रही लगातार बारिश की वजह से कच्छ के रेगिस्तान में बाढ़ आ गई है। भावनगर जिले में 2 लोगों की मौत भी हो गई और 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं 940 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल रही है। इसी के साथ ही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% करने की तैयारी। 90 से ज्यादा जातियों को आरक्षण देगी बीजेपी। वहीं आपको बता दें कि अब कांग्रेस आरक्षण बढ़ाकर 27% करेगी ओबीसी का। राजस्थान की सियासत में ये दोनों बयान इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। बीजेपी सत्ता में आई तो राजस्थान के 8 आदिवासी जिलों में आरक्षण से वंचित 93 जातियों को आरक्षण देंगे। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा का बयान कि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, ताकि हम जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे सकें। आखिर ओबीसी वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दल इतना जोर लगा रहे हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है और अब कांग्रेस ने तैयारी 27% आरक्षण देने की तैयारी कर ली है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 53 लाख से ज्यादा राजधानी जयपुर और शहरी ग्रामीण ओलंपिक में लेंगे हिस्सा। राजस्थान में 23 जून से 29 अगस्त तक 68 दिन तक प्रदेश में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक होने जा रहे हैं। इसमें इस बार के राजस्थान के 53 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लोग जोर जोर के साथ उतर रहे हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने किसानों के खातों में ट्रांसफर किए टोटल 175 करोड़ रुपए। सीएम गहलोत ने लंपी से मरी गायों का मुआवजा किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया है। सीएम ने जयपुर के सीतापुरा में 3 दिन के किसान महोत्सव की शुरुआत करते हुए 41,900 किसानों के खातों में 175 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए हैं। हर किसान को एक गाय की लंपी से मौत पर 40,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। सीएम ने कहा कि लंपी से सरकारी सर्वे में 52,000 गायों की मौत मानी गई है। बसे हुए करीब 11,000 किसानों के बैंक खातों की डिटेल अपडेट करके 15 दिन में मुआवजे का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हार्ट सर्जरी में कैंची सोड़ने से मौत का मामला। अस्पताल ने कहा एक्सरे में इंस्ट्रूमेंट होने के कोई तथ्य नहीं मिले, परिवार के आरोप भी गलत। राजधानी जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल पर एक मरीज के शरीर में कैंसी रहने से मौत के आरोप पर अस्पताल का पक्ष भी सामने आया है। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन के दौरान उनकी एक मरीज के शरीर में कैंसी रह गई है, और अस्पताल का इस पर कहना है कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी या उसके बाहर किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के गायब होने का कोई तथ्य नहीं है। इन सब का रिकॉर्ड हॉस्पिटल के पास उपलब्ध है। मरीज के रिश्तेदारों के लगाए सभी आरोप गलत हैं। जिसे कैंसी की वो बात कर रहे हैं वो हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। दरअसल ये सबसे बड़ी खबर है मामले का। अस्पताल पर यह साफ तौर पर कहना है कि उनकी यह कैंसी ही नहीं है।
हालांकि ऑपरेशन के बाद अगले कई दिनों तक साथी के एक्सरे भी हुए हैं, उन एक्सरे में भी कैंसर कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अफसोस की बात है कि सभी प्रयासों के बावजूद मरीज को नहीं बचाया जा सका। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 5 से 15 लाख ज्यादा बिल आया। प्रदेश में जुलाई से सितंबर 2022 के उपभोग पर 52 पैसे प्रति यूनिट नया फ्यूल सरचार्ज जोड़ा। देश में सबसे ज्यादा महंगी औद्योगिक बिजली की मार झेल रहे प्रदेश के उद्यमियों को राज्य सरकार ने अब डबल फ्यूल सरचार्ज का करंट दिया है। ये पहला मौका है जब राजस्थान में एक साथ दो फ्यूल सरचार्ज लगाकर उद्योगों से वसूली हो रही है। एक फ्यूल सरचार्ज की वसूली उद्यमियों से अक्टूबर 2022 से हर महीने हो रही है, वहीं दूसरा फ्यूल सरचार्ज अजमेर निगम की ओर से मेगावाट तक की इंडस्ट्री पर 2023 में लगाया गया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बिपरजॉय के तूफान को लेकर हैं। राजस्थान में बिपरजॉय से हुई ट्रेनें रद्द, फ्लाइट हुई कैंसिल। राजस्थान के आज 4 जिलों में 200 mm तक भारी बारिश का खतरा, 5,000 से ज्यादा लोग शिफ्ट हो चुके हैं। बिपरजॉय से राजस्थान में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रेलवे प्रशासन ने बाड़मेर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसी तरह उदयपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई है। वहीं जोधपुर में स्टेट ओपन और जोधपुर यूनिवर्सिटी की ओर से 16 से 18 के बीच में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। इधर बाड़मेर में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे आधा दर्जन गांव के 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को पश्चिमी राजस्थान में आंधी के साथ बारिश हुई है। जालौर, बाड़मेर, जोधपुर में 1 इंच तक पानी बरसा है। बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जगह जगह पेड़ और बिजली के पोल भी उखड़ रहे हैं। इधर मौसम केंद्र जयपुर के सीनियर साइंटिस्ट हिमांशु शर्मा का कहना है कि साइक्लोनिक का आई पॉइंट मिड यानी राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर चुका है। उस समय सिस्टम की स्थिति डीप डिप्रेशन में रूप में रही है और राजस्थान में हवा की स्पीड 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि अब कमजोर होकर डिप्रेशन के रूप में कन्वर्ट हो गया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में फिर गरजे सीएम गहलोत, बोले डीजीपी ने धर्म के नाम पर अपनी मार्केटिंग और हमें बदनाम किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार को एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, श्रीगंगानगर में 18 जून को जनसभा से चुनावी संघदान करेंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के लिए श्रीगंगानगर जिला अहम है। आम आदमी पार्टी ने चुनावी संघदान के लिए श्रीगंगानगर जिले को चुना है। श्रीगंगानगर जिला पंजाब बॉर्डर पर है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं पंजाब से ही श्रीगंगानगर में सिंचाई और पेयजल नहरों के माध्यम से आता है। इसके लिए किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। इसके साथ ही श्रीगंगानगर इलाका पंजाबी बाहुल्य इलाका है। ऐसे में आम आदमी पार्टी इन सभी बातों को भुनाने का प्रयास करेगी। अभी पिछले दिनों ही जिले के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब में सीएम भगवंत मान से मुलाकात करके आया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए श्रीगंगानगर जिला एंट्री पॉइंट है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने से 300 से अधिक लोग हुए बीमार, मेडिकल टीम गांव में तैनात। राजस्थान के दौसा जिले के पाकर गांव में फूड पॉइजनिंग के सैकड़ों ग्रामीणों की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई है। ग्रामीणों ने ये बताया कि गुरुवार की शाम कुछ लोग बीमार हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया बीमार लोगों की संख्या में इजाफा होता चला गया। लोगों की बड़ी संख्या में बीमार होता देख ग्रामीणों ने अस्पताल में लेकर गए हैं। करीब 300 से अधिक ग्रामीणों के बीमार होने की सूचना पर खुद सीएमएसओ के डॉक्टर सुभाष बिरोनिया भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने एक मेडिकल टीम को गांव में ही तैनात कर दिया। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी